हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोको F3 GT स्मार्टफोन के बारे में। फाइनली ये लॉन्च हो चुका है और अब हम लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है यूज़ करने के लिए, और प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छा है, और ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो वो भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ नया मिलने वाला है, वो क्या है कि स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनमें क्या आपको मिसिंग लग सकता है। मतलब स्पेसिफिकेशंस तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है, वो मैं आप लोगों को साथ साथ में बताता चलूंगा, जिससे अगर आपको ये फ़ोन लेना है, अगर आप इस फ़ोन में इंटरेस्टेड हो, तो आपका पता चलता रहेगा कि यार ये चीज़ इसमें नहीं है तो बाय करना है कि नहीं करना है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, दिस इज आदर्श राठौर एंड यू आर वाचिंग नाउ टेक्निकल राठौर कंटेंट। तो वेल, इस वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को ना वेस्ट के, और आप भी टाइम को ना वेस्ट के वीडियो को अभी कभी एक लाइक कर दीजिए। इसके साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा, नोटिफिकेशन पर ऑल कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो को डिसलाइक करते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो ओवरऑल बता के जाएं कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम थी और उन्हें क्या चाहिए वीडियो में जो इस वीडियो में नहीं था। कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर से बताएं, जिससे वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उन लोगों को वो चीज़ मिलेगी। आई प्रॉमिस 99% मैं कोशिश करूंगा। तो वेल, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि इस फोन का प्रोसेसर इस फोन की जान है, क्योंकि यहाँ पर आपको गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है और ये गेमिंग फोन भी है। तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 6 nm पर बेस्ड है और मीडियाटेक की तरफ से आने वाला सबसे पावरफुल चिपसेट है, नो डाउट। लेकिन आप लोगों को इस फोन में 3.5 mm जैक नहीं दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं गेमिंग पे थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है, थोड़ा का बहुत ही इफेक्ट डालता है। और इस फोन का जो N22 स्कोर है वो निकल कर आता है 5,96,000 के आसपास, मतलब 6 lakh के आसपास, जबकि इस प्रोसेसर का जो N22 स्कोर है वो लगभग 6.5 lakh या फिर 7.25 lakh होना चाहिए था। तो वेल, ये हो गए प्रोसेसर की बात। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पर जो इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 86.3% का, और यहाँ पर आपको 120Hz का हाई स्क्रीन रिफ्रेश वाला डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पर इसका टच सैम्पलिंग रेट 480Hz का है। और आपको यहाँ पर OLED डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया, जहाँ पर आप 1.07 बिलियन कलर्स का फायदा उठा पाएंगे। जो 10 bit वाला सिस्टम रहता है वही यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। बट ओवरऑल डिस्प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर PPI डेंसिटी 395 है, जो कि 400 से ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आपको 500 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी सी कम है। बट हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए इशू ना हो, और हो सकता है कि इसकी ब्राइटनेस 500 nits के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसा होता ना 1GB वाले में PUBG चल जाता है, लेकिन 4G वाले में कभी कभी अटक जाता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है इसके साथ में। तो वेल, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि आता है इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर। जी हाँ, आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है फ्रंट एंड बैक साइड में, IP53 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको मेटेलिक फ्रेम दिया गया है, बट 206 g का वजन है इसका। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, और जब आप थोड़ा सा हैवी कवर इस पर लगाएंगे तो 250 g के आसपास का ये फ़ोन हो जाएगा आराम से, ऊपर ही जाने वाला है, कम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर क्या आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है इसकी। जी हाँ, अब देखिए, फ़ोन है हाथ में पकड़ के ही खेलेंगे, लैपटॉप होता तो रख के टू कर लेते, लेकिन फ़ोन हाथ में पकड़ के खेलेंगे तो कहीं ना कहीं होल्डिंग कैपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। ज़्यादा अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप गेमिंग करना चाहते हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। एंड फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं गेमिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप लोगों को गेमिंग ट्रिगर्स दिए गए हैं, जिनका यूज़ करके बहुत ही नेक्स्ट लेवल की गेमिंग की जा सकती है, और मैं बोलूँगा यार मैनुअल है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, मैनुअल है, जब चाहो तब उसको यूज़ करो, जब यूज़ ना हो तो वापस अंदर डाल दो, मतलब बटन दिया गया है, जब आप उसको ऑन ऑफ करेंगे तो ही वो ट्रिगर्स बाहर आएंगे। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट निकल कर आता है इसके स्पीकर्स की तरफ से। जी हाँ, आप लोगों को यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं नीचे और ऊपर दोनों तरफ, मतलब साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर देखने को मिलने वाली है आप लोगों को इसके साथ में। एंड फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कैमरास को लेकर। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल क्लियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर इसका जो मेन कैमरा है वो 64 MP का, +8 MP +2 MP। आप लोगों को इसके कैमरा अलाइनमेंट पर थोड़ा सा मतलब RGB देखने को मिलेगा, जो लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा लगता है, ओके है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं सेंसर वगैरह की, तो सेंसर वगैरह भी अच्छा दिया होगा, अभी कुछ खास पता चल नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं RGB की, जो वहाँ पर आपको कैमरा के बैक साइड में दिया गया है, तो वो जब जलेगा तो थोड़ी बहुत बैटरी भी लेगा, आप लोग समझते हो, और थोड़ी सी ज़्यादा ही लेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे कलर्स होते हैं उतना ही ज़्यादा बैटरी वो लेता है। तो यहाँ पर पता नहीं कि उसको ऑन और ऑफ़ करने का ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, अभी कुछ खास पता नहीं है, लेकिन मेरे अंदाज से ऑप्शन देना चाहिए उसको ऑन और ऑफ करने का। तो ये तो बात हो गई RGB की। अब बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर। तो वहाँ पर आप 4K में रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं, गुड,
गुड है, लेकिन 4K में सिर्फ 30 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी 60 FPS पे जब नीचे आएंगे तो FPS बढ़ता जाएगा, लेकिन 4K में सिर्फ 30 FPS में कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। और अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि निकल कर आता है उसके फ्रंट कैमरा की तरफ से, 16 MP का कैमरा दिया गया जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है। 16 MP इज क्वाइट नॉर्मल, मतलब कोई बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं, लेकिन दिस इज डिसेंट, मतलब थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था 20 MP का होता तो। यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि निकल कर आता है बैटरी की तरफ से, बैटरी इसकी 5065 mAh की दी गई है, 67 W का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है। ओवरऑल अगर बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो प्राइस लगभग 30,000 रुपये के आसपास आएगा, ऑफर वगैरह लगाएंगे तो 2-3 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे, लेकिन अभी मेन प्राइस की बात करें तो वो 30,000 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ सोचने वाली हो जाती है कि प्राइस भी कम नहीं है, हाँ फ़ोन भी बहुत अच्छा है, नो डाउट, ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी इस फ़ोन में, और जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बताई। अब जो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई, अगर उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वाकई ये एक बहुत मज़ेदार फ़ोन है, और मुझे भी पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा यह फ़ोन। हाँ थोड़ी बहुत तो कमी सभी स्मार्टफोन्स में होती है, लेकिन किसी किसी स्मार्टफोन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए आपको मेटल फ्रेम दिया गया है, बैटरी भी काफ़ी अच्छी दी गई है 5065 mAh की, मतलब आप लॉन्ग टाइम के लिए गेमिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4000 mAh, 4300 mAh, 4500 mAh, 5000 mAh गुड है नो डाउट। और यहाँ पर 67 W का फास्ट चार्जर दिया, 40 मिनट में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।